चैनल से मैं फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो होने वाला है नो योर प्रोडक्ट वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ केवाईपी फॉर अ हैंड वॉश, एंड दिस हैंड वॉश इज बाय हिमालय। द वेरिएंट इज तुलसी एंड लेमन डीप क्लेंजिंग हैंड वॉश। इसका क्वांटिटी है 25 ml और इसका MRP है 95 rupees, बट ये मेरे को 90 rupees में मिला था रिसेंटली ही, आपने हॉल में देख ही लिया होगा। इसका शेल्फ लाइफ है 2 years का, लेकिन इसको खुलने के बाद आपको 12 महीने में यूज करके खत्म कर देना है। और ये प्रोडक्ट क्लेम करता है जर्म से प्रोटेक्शन करता है 99.9%, क्योंकि वो जो 1% है वो बहुत ढीठ होते हैं, वो कुछ भी करने से नहीं जाते। सो यस, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट क्लेम करता है ग्रीस एंड ओडर फ्री हैंड्स, pH बैलेंस, सॉफ्ट हैंड्स एंड फ्री फ्रॉम ट्राइक्लोसान, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि मैंने एक पहले भी हैंड वॉश किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्राइक्लोसान है, और ट्राइक्लोसान कुछ मैनर में कार्सिनोजन माना जाता है, लेकिन उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है, तो मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलूंगी नहीं। जब हम अच्छे से उसमें घुसेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप ये प्रोडक्ट सिर्फ इस वजह से खरीद रहे हैं कि यार ये लेमन वेरियंट है और बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रेग्रेंस होगा इसका, नहीं, इसका बहुत ज़्यादा हर्बल फ्रेग्रेंस है, सिट्रस फ्रेग्रेंस तो बिल्कुल भी नहीं है इस प्रोडक्ट का। सो यस, बढ़ते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ और इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट ब्रेकडाउन्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट में इसमें हमारे पास हैं टोटल 19 इंग्रेडिएंट, जिसको आज मैंने 2 different कैटेगरीज में बांटा है। सो हमारा कैटेगरी नंबर 1 इज हेयर, जहाँ पे हमारे पास टोटल 11 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जिसमें कि आपको ग्लिसरीन मिल जाएगा जो कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट का तरह काम करता है या फिर सॉल्वेंट की तरह काम करता है। उसके बाद है कुछ क्लेंजिंग एजेंट जैसे कि कैप बी और डिकाई ग्लूकोसाइड, जो कि एक ऑर्गेनिक क्लेंजिंग कंपाउंड है। उसके अलावा और भी बहुत सारे आप देखेंगे तो 2 इसमें नेचुरल डेरिवेटिव्स भी आपको मिल जाएंगे, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी जो कि सिर्फ फॉर्मूला को ही बनाए रखने के लिए की गई हैं। सो इस कैटेगरी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं वो ना तो कार्सिनोजन है ना ही टॉक्सिन्स है। बट कीप वन थिंग इन माइंड, अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ से एलर्जिक है तो आप एक बार को ध्यान से ही इसे इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो यस, पैस्टा ज़रूर लें, क्योंकि इनमें से मैंने कोई भी सेंसिटिविटी के लिए काउंट नहीं किया है। एंड यस, उसके बाद है हमारी कैटेगरी नंबर 2, और कैटेगरी नंबर 2 में हमारे पास टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स है, बट इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपसे डेफिनेटली कुछ बात करना चाहती हूँ। सो पहले 2 इंग्रेडिएंट्स जो आप देख रहे हैं, जो कि है अमोनियम लोरॉल सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अमोनियम लोरॉल सल्फेट SLS का ही फ्रेंड है, या फिर आप कजन मान ले, दूर का कजन मान ले, पास का कजन मान ले, कजन मान ले। तो ये दोनों ही क्लेंजिंग एजेंट्स हैं, और सोडियम क्लोराइड इसमें बाइंडिंग एजेंट है जो कि प्रोडक्ट को बाइंड करने का काम करता है। सो अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि आजकल हम दिन में 50 बार नहीं, मोर देन 10 times हैंड वॉश कर रहे हैं, जब भी हम बाहर जा रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं या फिर कोई पार्सल रिसीव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दिन में एटलीस्ट 10 times तो हम हैंड वॉश कर रहे हैं। सो ALS और सोडियम क्लोराइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिपिंग हो सकते हैं आपके हाथों के लिए। सो या अगर आपको ऑलरेडी ड्राई हैंड्स का प्रॉब्लम है तो यस, ये भी आपको और ज़्यादा ड्राई हैंड्स दे सकता है। एंड अगर आपको स्वेटी हैंड्स का प्रॉब्लम है तो ये और ज़्यादा थोड़ा सा ना स्ट्रिपिंग होके इरिटेट का भी काम कर सकता है। उसके बाद इस प्रोडक्ट में है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह इस प्रोडक्ट में डाला गया है। बट एज आई सेड कि हम दिन में 10 बार प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं हैंड वॉश के लिए, और ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है हमारे हाथों को ड्राई कर सकता है, सो उस केस में सोडियम मेटाबाइसल्फाइट जो है वो इरिटेंट बन सकता है, या फिर आपके जो हाथ है वो थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं, या आपके हाथों में थोड़ा सा इरिटेशन जैसा कुछ आ सकता है बिकॉज ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, बिकॉज इसको ना थोड़ा सा सेंसिटाइजिंग एजेंट माना जाता है। अगर इसे आप बहुत ज़्यादा हद में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन है उसको थोड़ा सा सेंसिटिव कर देगा। देन इस प्रोडक्ट में ऐड किया गया है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के बारे में सबको पता है कि काफ़ी अच्छा एक्सफोलिएंट है, बट जब आप दिन में 10 बार हाथ धो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इतना एक्सट्रीम एक्सफोलिएशन का ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्लेंजिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव और जो सैलिसिलिक एसिड है, दिस कैन बी वेरी स्ट्रिपिंग फॉर योर हैंड्स। जो आपके हाथ हैं उनको कम्प्लीटली ड्राई आउट भी कर सकते हैं, जिनको ऑलरेडी ड्राई हैंड्स हैं
उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी हो सकता है यूज करने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई ड्राई हैंड्स का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थोड़ा सा स्वेट वगैरह आता है, बट स्टिल ये मेरे हाथों के लिए सच में बहुत स्ट्रिपिंग रहा है। मुझे यहाँ पर भी ड्राई ड्राई लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा मुझे इचिंग वगैरह होता था जब भी मैं हैंड वॉश करके अपने हाथ जो थे वो टॉवल से सोख करके सुखा रही होती थी तब। तो या ये थोड़ा सा मुझे ड्राइंग या फिर स्ट्रिपिंग जो है वो डेफिनेटली लगा। उसके बाद प्रोडक्ट कंटेन्स लेमन पील एक्सट्रैक्ट एंड सोडियम बेंजोएट। तो इसके बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो ये है कि विटामिन सी और सोडियम बेंजोएट को एक साथ आपको कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कंबाइन होकर बेंजीन बनाते हैं जो कि है एक कार्सिनोजन या फिर पॉइजनस कंपाउंड बनाते हैं जो रेगुलर लाइफ में आपको नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज इट कॉजेज कैंसर, बेंजीन बेसिकली। और इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखा है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली वो वीडियो जरूर चेक करें ताकि आपको समझ में आए कि मैं इस दो इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करने से क्यों मना कर रही हूँ एंड स्पेसिफिकली हिमालय को लेकर क्यों मना कर रही हूँ, बिकॉज इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी हिमालय हर्बल वाली टोनर वाली वीडियो में। एंड अगेन इस प्रोडक्ट में भी लेमन पील एक्सट्रैक्ट है, सोडियम एक्सट्रैक्ट है, सोडियम बेंजोएट है, जो कि डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट में डाला गया है कोको अमाइड MEA। इसको स्पेसिफिकली फॉरबिड किया जाता है जब भी आपके प्रोडक्ट में कोई नाइट्रोस अमाइन या फिर कैंसर कॉजिंग एजेंट ऑलरेडी हो। तो एज आई डिस्कस्ड अभी के सोडियम बेंजोएट और विटामिन सी जो है बेंजीन बनाते हैं विच इज ऑलरेडी अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, तो इसमें कोको अमाइड MEA जो है वो और ज्यादा उस चीज को पुश करता है। सो ओवरऑल अगर हम इन तीन इंग्रेडिएंट्स को देखें, विटामिन लेमन पील एक्सट्रैक्ट, सोडियम बेंजोएट एंड कोको अमाइड MEA, तो दिस कैन बी डेंजरस फॉर एवरीवन। उसके बाद प्रोडक्ट कंटेन फ्रेग्रेंस, और फ्रेग्रेंस का तो मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ तो उस चीज को मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी। सो ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट जो है उसमें से 11 इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिपिंग है एंड एक्सट्रीम वे में एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, एंड 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनको तो मतलब बिना सोचे समझे ही प्रोडक्ट में यूं ही डाल दिया है। एंड इफ एनीवन फ्रॉम हिमालय ब्रांड इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज प्लीज टर्मिनेट दैट 3 इंग्रेडिएंट्स, सैलिसैलिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड कोको अमाइड MEA, या फिर आप सैलिसैलिक एसिड और बेंजोएट ही रिमूव कर दें, दैट्स इनफ फॉर अस। और अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करती हूँ तो ये स्पेसिफिक वेरिएंट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। इसके मैंने बाकी के 2 वेरिएंट्स अभी ट्राई नहीं किए हैं, डेफिनेटली अगर मैं उन्हें ट्राई करूंगी तो आपके साथ उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी, बट ये वेरिएंट मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। तब तक रिकमेंड नहीं करती हूँ जब तक ब्रांड जो है इसमें से सैलिसैलिक एसिड और सोडियम बेंजोएट जो है वो रिमूव नहीं कर देता है। एंड यस, तब तक मैं आपको कहूंगी जब तक फॉर्मूला इम्प्रूव नहीं होता मत यूज कीजिए, एंड ब्रांड को बोलिए कि वो फॉर्मूला इम्प्रूव करे। लाइक ट्रस्ट मी, जब मैंने इसे पढ़ा ना मुझे यही लगा कि क्या गांजा भूक के इसका फॉर्मूला लिखा है। एंड अगर आपको लगता है कि ये चीज जो थी वो आपके लिए सही नहीं है तो अपनी आवाज जो है वो ब्रांड तक पहुंचाएं और उन्हें कहें कि फॉर्मूला जो है वो इम्प्रूव करके भेजिए, हम ये यूज नहीं करना चाहते हैं। एंड यस, ब्रांड बैशिंग में मैं तब भी बिलीव नहीं करती थी, मैं ब्रांड बैशिंग में आज भी बिलीव नहीं करती हूँ, मैं आज भी कहूंगी कि बेटर फॉर्मूला होगा तो मैं डेफिनेटली परचेज कर लूंगी। सो यस, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, वरना YouTube आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं देगा। और आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।